The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So hello everyone, namaskar. Main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education and welcome back to my channel. Guys, today we are going to talk about coronavirus. Yes, I know. आप लोगों ने बहुत बार कोरोना वायरस के बारे में सुन लिया, उसके बारे में न्यूज़ देख ली, समझ लिया कि भाई ये फैल रहा है, ये है. लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आपने जितनी न्यूज़ देखी है उसमें से एक्चुअली ज़्यादातर न्यूज़ जो गलत इन्फॉर्मेशन बता रही है उसके बारे में आपको नहीं. यू हैव टू बी अलर्ट अबाउट द फेक न्यूज़ विच इज़ गोइंग ऑन अराउंड कोरोना वायरस. और एक्चुअली बहुत सारी फेक न्यूज़ है एंड there are some myths and there are some truth about coronavirus. So today we are going to talk about all of this thing, ki myth kya hai uska aur truth kya hai uski, sachai kya hai aur jhoot kya hai coronavirus ke bare mein. Very 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 important aspect of this. So today we are going to talk about that. And agar aap coronavirus ke news dekhenge, coronavirus ke bare mein articles padhenge, anginat articles hai, right? So remember, there are some certain truth and some myths jo aa rahe hain, right? Very very important thing, coronavirus is a virus. It's a flu-like virus. जैसा flu का virus है वैसा ही वो virus है, जैसा common cold का virus है वैसा ही corona family से आया हुआ virus है. And the questions are कि सबसे बड़ा important question है, can this virus be transmitted among humans? Human to human transmission है, absolutely है. लेकिन क्या ये animal to human transmission हो रहा है? अभी ये proven नहीं है. तो किसी और animal को, किसी भी animals को जो आपके आसपास, even if you are non-vegetarian, eating your non-vegetarian food will not cause coronavirus. Right now there is not even a single evidence कि किसी भी प्रकार के नॉनवेज खाने से कोरोना वायरस हो जाएगा. दैट इज अ मिथ. ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन आपके सलाइवा से हो रहा है, आपके थूक से हो रहा है, आपके टच से हो रहा है. इसको टच करके हाथ को भी टच करोगे, कहीं भी टच करोगे, वहां उस सरफेस को किसी ने टच कर लिया तो भी हो सकता है. सो खाने से कोई लेना देना नहीं है. इट्स नॉट इन द चिकन, इट्स नॉट इन दिस फिश, इट्स नॉट इन द एग्स, इट्स नॉट इन द नॉन वेजिटेरियन. सो सम पीपल आर यूजिंग दिस एज अ ऑब्जेक्ट, एज वेल एजेंडा, कि नॉन वेजिटेरियन के खिलाफ अपने मुद्दे उठाएं. सो आई डोंट लाइक दैट एंड दैट्स व्हाई ट्रूथ सामने आना. खाना नहीं खाना आपकी मर्जी है. फर्स्ट थिंग्स दैट. द सेकेंड मिथ इज कि क्या कोरोना वायरस का कंफर्म्ड क्योर है? नो, देर इज नो कंफर्म्ड प्रिवेंशन, देर इज नो कंफर्म्ड क्योर. इतने सारे वीडियोज आ रहे हैं, कोई ये कहता है कि इसकी एक बूंद ले लेंगे तो कोरोना वायरस कभी नहीं होगा, राइट? कोई कहता है कि सिर्फ सिर्फ नींबू खा लो, सिर्फ सिर्फ ये कर लो, सिर्फ सिर्फ पानी पियो तो कोरोना वायरस नहीं होगा. नहीं, तब भी होगा, तब भी हो सकता है कोरोना वायरस अगर होना है. बिल्कुल जैसे सर्दी खांसी होती है, सर्दी खांसी जिसको होनी है होनी है, वो कम मात्रा में ज्यादा मात्रा में आएगी ये आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर. इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने की कोशिश आप कर सकते हो. यू कैन ट्राई टू मेक इट स्ट्रांग बाय ईटिंग वेल, बाय स्लीपिंग वेल, बाय एक्सरसाइजिंग, ड्रिंकिंग इनफ फ्लूइड्स, वो सारा इंपॉर्टेंट है. बैलेंस डाइट होनी चाहिए, फ्रूट्स बहुत सारे होने चाहिए, अच्छी मात्रा में पानी होना चाहिए, नारियल पानी जैसी चीजें पी सकते हो इफ यू आर डिहाइड्रेटेड. सो यस, दे आर देयर, बट दैट्स नॉट द ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन, कि वो करोगे तो नहीं होगा. या कोई एक आयुर्वेदिक दवा खा ली, कोई एक होम्योपैथिक दवा खा ली, कोई एक एंटीवायरल खा लिया. सो पीपल आर प्रमोटिंग दिस इन टिकटॉक, इन इंस्टाग्राम. उल्टे सीधे भाई, हमारी एक गोली है, इसको ऑर्डर करने के लिए ये इतने पैसे दीजिए, गलती से पैसे मत देना, गलती से ऐसी चीजों पे भरोसा ना करें. सो देर इज नो कन्फर्म्ड क्योर बिकॉज वायरल इन्फेक्शन डोंट नीड अ क्योर. आपकी बॉडी खुद मार देती है उसको. 80% ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट जिनको इन्फेक्शन हो जाएगा कोरोना वायरस से, इसी नोवेल कोरोना वायरस से, उनको कुछ नहीं होगा. ओनली 20% जो होंगे वो बीमार होंगे. 20% में से भी बीमार जो होंगे उनमें से भी अभी तक जो डॉक्यूमेंटेड केसेस है, सिर्फ 2% में डिजीज ऐसी सिवियर हो रही है कि हॉस्पिटलाइज हो पा रहे हैं और जान को खतरा हो रहा है. ये भी उतने जितने पकड़ में आए हैं. सोचो 80% तो में से कितने परसेंट पकड़ में नहीं आए होंगे, तो कितनी कम मात्रा होगी डेथ रेट की. इससे कहीं ज्यादा मात्रा में डेथ हो जाती है फ्लू के वजह से ओवर द वर्ल्ड हर साल, कॉमन फ्लू के वजह से. जी हाँ,
कॉमन फ्लू के वजह से भी निमोनिया होके डेथ हो जाती है लोगों को। फिर वो हम बोलते हैं निमोनिया हो गया, निमोनिया हो गया, लेकिन होता वो टू स्टार्ट वो वायरल फ्लू होता है, वायरल निमोनाइटिस। सो यस, इट इज अ डेंजरस डिजीज, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन कि जिसको होगा मरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड देर इज नो फोक मेडिसिन और किसी भी कंट्री की किसी भी तरीके की जो उसको 100% क्योर कर दे। सो डोंट इवन राइट, उस मिथ में भी प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व इन दैट ऑल्सो, राइट। और कई लोग कहते हैं वेरी वेरी, कोरोना वायरस इज नॉट डेडलियर देन द फ्लू, राइट। कोई कहता है इफ यू डोंट हैव एनी ऑब्वियस सिम्टम यू कैनॉट गेट इन्फेक्ट, यू कैनॉट इन्फेक्ट अदर्स, ऐसा भी नहीं है। ए सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन हो सकता है, ऐसे पर्सन जो 80% जिनको पता भी नहीं चलेगा उनके अंदर कोरोना वायरस है वो भी फैला सकते हैं, दैट्स ट्रू, यस। सो ए सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल। सो इस केस में रिमेंबर कि आपको बेसिक अपने हैंड वॉशिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, द प्रिवेंशन इज हैंड वॉशिंग। एंड कोई कोई कहेगा कि वेयरिंग अ मास्क विल प्रिवेंट, मास्क पहन लिया तो प्रिवेंट हो जाएगा, नहीं, मास्क इज नॉट अ श्योर शॉट वे। Why? Because mask के gap से भी वो जा सकता है, तो if the mask is not well fitted तो भी कोरोना वायरस जा सकता है। प्लस ऐसा भी नहीं है कि ये N91 वो वाले मास्क पहनोगे तो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन स्टिल हैव इट इफ यू आर नॉट वॉशिंग द हैंड, मास्क उतारने के लिए लिया फिर लग गया। सो देर इज ऑलवेज चांस ऑफ हैविंग अ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। यू कैन डू इज इंक्रीज योर इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करो, हैंड वॉश करो, सब करें। हैंड वॉशिंग इज सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये याद रखिए, हैंड वॉशिंग हाइजीन इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्जिकल मास्क इज एन एडिशनल बेनिफिट बट इज नॉट अ फुल प्रूफ वे, राइट। सो जरूर पानी खूब सारा पीना है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे, एंड दैट इज अ मिथ कि ऐसा कुछ होगा। देन कई लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आप फ्लू शॉट ले लोगे, अगर आप फ्लू शॉट फ्लू की वैक्सीन ले लोगे तो आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं होगा, ये भी गलत है। फ्लू शॉट डिफरेंट इन्फ्लुएंजा वायरसेस के लिए है, दैट इज नॉट फॉर कोरोना वायरस, दैट फॉर नोवल कोरोना वायरस, जो नया वर्जन है उसके लिए कोई फ्लू कोई वैक्सीन आया नहीं है अभी। सो देयर इज नो वे कि आप फ्लू शॉट ले लोगे तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। उसकी वैक्सीन जब बनेगी, टेस्ट होगी, डेवलप होगी, तब आएगी, तब तक हो सकता है वायरस ही चेंज हो जाए कोरोना वायरस, जी हाँ। सो यू कैन स्टिल, you know, you can still have coronavirus infection after taking a flu shot. That does not mean you should not take a flu shot. Flu shot lena hai. Har saal lena apna swine flu aur dusre differential bahut jo regular aate hai us type ke viruses ke liye. So mask is okay, but you will need extra protection. You will need to wash your hand, use hand sanitizer, stay at home when you are sick, clean your handrails, doorknobs and toys regularly, right? Cover your nose and mouth when you are sneezing, tissue se cover karo, cheek rahe ho, khaach rahe ho. Then avoid touching your eyes, face, nose, mouth, avoid touching them, avoid sharing your things to other, that is very very important thing. Ye sare basic sab aapko ye karna hai. So coronavirus is not a new virus and there are so many myths around this, remember that. राइट सो और एक इम्पॉर्टेंट व्यू है कि ये बैट सूप से हो रहा है। बहुत सारे लोग फोटोज भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं कि सर ये किसी ने बैट सूप पी लिया था, बैट का, चमगादड़ों का, इस वजह से कोरोना वायरस हो गया है। नहीं, ये वहां से नहीं आया है, ऑल्दो दैट इज अ डिफरेंट कल्चर, लोगों का उल्टा सीधा कल्चर जो भी है, दैट इज नॉट आवर टेक कि हम उनको बोलेंगे वो गलत है तो गलत है, वो अलग है। लेकिन वो बैट सूप से नहीं आया है, ना कि कोई चाइनीज लोगों में ही हो रहा है। कई लोग चाइनीज लोगों को बॉयकॉट कर दो, चाइनीज एरिया में मत जाओ, ऐसी चीजें कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चाइनीज एरिया में वो एक जगह रह नहीं सकता, वो फ्लू वायरस, ये वायरस एक जगह से फैलेगा ही फैलेगा, इसीलिए इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन दिस काइंड ऑफ अ थिंग। इसीलिए ये इतना हैवी लेवल पे, ऑल इंटरनेशनल लेवल पे अलर्ट इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है कि ये फैल ना जाए। फैलेगा तो इवन इफ द डेथ रेट इज 2% और 0.2%, तो भी कितने सारे लोग हैं, बिलियंस ऑफ पीपल, उसमें से 0.2% इज अ सिग्निफिकेंट नंबर जो हो जाए। फिर देर आर प्रॉब्लम्स, कोरोना वायरस क्या आपके पेट को हो सकता है इन्फेक्शन? अभी तक ऐसा कोई पेट जानवरों को हो सकता है क्या आपसे? ऐसा कोई एविडेंस अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी हो सकता है, सो रिमेंबर दैट। फिर यंग पीपल और ओल्डर पीपल आर मोर सक्सेप्टेबल टू दिस, सो यंग और ओल्डर पीपल को और ज्यादा ध्यान देना है। और
कोई भी प्रकार की दवा, किसी प्रकार का एंटीबायोटिक इसके खिलाफ काम नहीं करता। ये मत सोचना कि मैं एजिथ्रोमाइसिन खा लूंगा और ये खा लूंगा वो खा लूंगा मेरा गला ठीक हो जाएगा। एब्सोल्युटली रबिश, राइट? डोंट इवन थिंक अबाउट इट। देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर कोरोना वायरस और एनीथिंग। वायरस के खिलाफ कुछ विटामिंस काम करते हैं बस, कोई ब्लीच काम नहीं करता। इवन ये सुनने में आया कैन ब्लीच क्योर कोरोना वायरस, नो। देर आर अगेन गलत कंस्पिरेसी थ्योरी लोगों की उल्टी सीधी, ये ब्लीच से ठीक हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक हो रहा है ये ब्लीच से या किसी और चीज से, राइट? सो देर आर सम विटामिन सी, जिंक, विटामिन सी, यू नीड बी विटामिन, यू नीड अ लॉट ऑफ वाटर। ये चीजें आपके अंदर होती है तो ये विटामिन वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ काम करने में या आपकी शरीर को फाइट करने में मदद करते हैं। यू नीड देम, यू नीड विटामिन सी। लेना है तो विटामिन सी की टैबलेट ले लो या फ्रूट खा लो, पानी पानी पियो जोरदार तरीके से, वो कर सकते हो आप, राइट? फ्रूट्स खा लो विटामिन सी वाले, सिट्रस फ्रूट्स। और जिंक, यू नीड जिंक, यू नीड दीज काइंड ऑफ अ थिंग, नॉट एनी जिंक को ओवरडोज कर लो। जिंक इज माइक्रो माइक्रो ट्रेस एलिमेंट, थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए। सो एक मल्टीविटामिन खा सकते हो, जिंकोविट, दैट इज इनफ, बस रेगुलर बेसिस पे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड आपकी बॉडी में क्या कमी है। यूज योर ब्रेन्स, नॉट जस्ट कि सुन लिया और ओके उसने बोल दिया ये नहीं करना है तो वो नहीं करना है। डोंट बी अ फूल, कोरोना वायरस इज एक्चुअली नॉट दैट डेंजरस, बट येस इट इज अ न्यू वायरस, नई चीज से डर ही लगता है इंसान को, उसका डेथ रेट इतना नहीं है। देर इज अ गुड चांस, 80 to 90% चांस कि आपको वायरस आपके अंदर जाने के बावजूद आपको कुछ नहीं होगा। द सेम द चांस जितना ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का होता है, ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया भी अंदर जाता है तो भी आपकी ज्यादातर लोगों के अंदर जा चुका है इंडिया के अंदर, लेकिन वो हम मार देते हैं उसको, कुछ ही लोगों में वो रह जाता है और आगे चल के तंग करता है। सो वर्क ऑन योर हेल्थ, बी हेल्दी, दैट्स अबाउट कोरोना वायरस विच यू नीड टू नो।